देखिए हाँ हाँ चमक पूरा सीधे चमक मोबाइल भाई चमक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। पूजा सारा ख़त्म हो चुका है, जगधरती पूजा मैंने एक दिन पहले ब्लॉग डाल दिया है, आई थिंक आप लोगों ने वो ब्लॉग देख लिया होगा और उसके बाद वाले डे का ये ब्लॉग है। तो अभी मैं बहुत लेट यहाँ पर भी पटना आने के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, टाइम नहीं मिल पाया था, इतना जल्दी जल्दी सब हो गया था। तो अभी बस सुबह की चाय में इंजॉय कर रही थी। सेकंड डे था जगधरती पूजा का, जाने का कुछ प्लानिंग नहीं था बट भाई ने छुट्टी लिया था, वो कोई नहीं था इस बार पूजा में, तो कोई पूजा घूमा ही नहीं है। तो उसने बोला कि चलो दी थोड़ा एक बार और घूम के आते हैं, तो बस हम लोग निकले और उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोगों ने पंडाल एक्सप्लोर किया। ज़्यादा नहीं घूमे उस दिन क्योंकि ऐसे ही सडनली प्लान बना था और रात हो चुकी थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो मैंने बोला कि अब हिम्मत नहीं है उतना घूमने का, तो बस हम लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लोर ना करके थोड़ा बहुत पंडाल देखा और उसके बाद वहाँ से निकल लिए। और मैं अभी आपको वो टॉप दिखा रही हूँ जो मैं छठ पूजा स्टार्ट हुआ था नहा खा के दिन मॉल गई थी और मैंने ये टॉप बाय किया था, तो मैंने उस वक्त भी आपको दिखाया था। तो ये टॉप पहनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था और ये हाई वेस्ट जींस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये टॉप। और उसके बाद हम लोगों ने रात का डिनर किया और उस डिनर के टाइम में हम लोगों के अंकल का एक बेटा है वो वहीं पे था, तो हम लोगों ने उसे बुला लिया और उसके बाद पूरा रेस्टोरेंट खाली था उस टाइम। इतने हम लोगों ने मस्ती की, इतनी ज़्यादा मस्ती की, इतने हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब दिल खुश हो गया मतलब उस दिन। और उसके बाद घर पे बच्चे थे तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ पेस्ट्री वगैरह ले लेते हैं, तो वही पेस्ट्री लिया, डोनट्स लिया और उसे लेके घर गए। और ये ले जाने के बाद मेरे बेटे का एक्साइटमेंट आप देखिए नेक्स्ट टाइम। तो इतना क्यों उछल रहे हो? अच्छा लग रहा है। लो अब आप खोलो। और उसके बाद नेक्स्ट डे हो चुका है। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे बड़ी मम्मी के यहाँ, उस दिन एकादशी था तो सत्यनारायण भगवान की पूजा भी थी, तुलसी पूजन भी था। तो बस अभी सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, उसके बाद हम लोग ने प्रसाद खाया, उसके बाद फिर तुलसी पूजा हुआ, मतलब बहुत अच्छा गया। नहीं यार, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे भाई को खाना था पास्ता, तो उसने बोला कि दी मैं पास्ता लेके आया हूँ, प्लीज़ अब थोड़ा सा बना दो ना। तो मैंने बोला ठीक है मैं बना देती हूँ। तो मैं बस उसके लिए पास्ता यहाँ पे प्रिपेयर कर रही थी और उसको स्पाइसी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और मम्मी ने इस बार हरा मिर्चा दे दिया था, मुझे भी लगा था कि मिर्चा ज़्यादा तीखा नहीं होगा और मैंने 6-7 मिर्ची अच्छे से काट के इसमें डाल दिया था, तो थोड़ा स्पाइसी हो गया था। उसे स्पाइसी बहुत ही कम पसंद है, तो वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता है बट अच्छा बना था देखने में, आपको लग ही रहा होगा कि हाँ देखने में भी ठीक है और खाने में भी ठीक था। और उसके बाद मैं डायरेक्ट आसूस सीख रही हूँ पटना आने के बाद। ये है शाम का व्यू पटना स्टेशन का। और उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी और मुझे इतनी ज़ोरों की भूख लगी थी क्योंकि मैं ट्रेन में वैसे भी कुछ नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है बाहर का ऐसे अचर पचर खाना ट्रेन में। तो घर आने के बाद पार्टी चल रही थी गेस्ट हाउस में, तो ये सारा मेनू आया हुआ था और मेरा बेटा भी भूखे था, तो उसने भी आते ही साथ खाने पर अटैक कर दिया, बोला मामा मुझे भूख लगी है। तो बस यहाँ आप अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं हम दोनों और फिर मिलते हैं वहाँ से सुबह में। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? पटना वापस आ गई हूँ, इन्हें लेने गए थे मैं। अरे मुझे धूप आ रहा है। आ गए हैं ये भी मम्मा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं बेटा को लेने गई थी और मैं वापस आ गई हूँ, उस भी छठ पूजा था तो मैं तो छठ पूजा भी करती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो लगे आज छठ पूजा भी हम लोग वहाँ पर अटेंड करके ही आएंगे। बस आ गए हैं अपने पुराने घर पर वापस, मतलब घर पर आ गए हैं। तो अब बस इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, काफ़ी बैक मतलब शॉर्ट में ये ब्लॉग बना है पार्ट में, तो होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी घर फैला हुआ है, 10 दिन से बंद था,
अभी घर भी समेटना है, थोड़ी बहुत साफ सफाई मैंने स्टार्ट कर दी है। 10 दिन घर बंद रहता है तो ऑटोमेटिक उसमें गंदगी आ ही जाती है। तो बस नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है मैंने, और मुझे तो लगा था कि बिहार में ठंडी मतलब ज़्यादा पड़ रही होगी कोलकाता के मुकाबले, बट इतनी कुछ खास नहीं है, ठंडी ठीक ठाक है, ओके टाइप्स। शायद दिसंबर में फर्स्ट वीक तक ठंडी अच्छी आएगी। तो बस इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।